नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सडई थाने के अंतर्गत रामपुर तिराहे पर एक पिकअप ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय भैरा निवासी भागीरथ आदिवासी अपने मामा के साथ बाइक से आ रहा था। वो शादी समारोह से लौट रहा था, उसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। आ रहे थे वापसी भैरा से, जब हुआ एक्सीडेंट, पिकअप वाले ने बीच रोड पे साइड नहीं दिया और जानबूझ के मारा। पिकअप कहाँ की थी? भैरा। अच्छा, ये जो मृतक है जी, आपके कौन लगते है? मैंने वापस जा रहा था कसार। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत तेंदू पत्ता की राशि का वितरण किया जा रहा है। ये वितरण जटा शंकर में किया जा रहा है, लेकिन यहां पर लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया है कि उनकी राशि काटी जा रही है, साथ ही साथ दस्तावेजों में भी हेरफेर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक धर्मपुरा का मामला है ये। धर्मपुरा के कई ग्रामीणों ने इस बात को लेकर शिकायत दर्ज की है कि उनके कार्ड में जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक भी पैसा ना देकर उसमें से भी पैसा काटा जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी रेंजर, नाकेदार, पोषक अधिकारी और फड़ मुंशी द्वारा भी गिनती में गड़बड़ी की गई, तो वहीं इन चारों के रिकॉर्ड में भी अलग अलग गिनती दर्ज की गई है। ये पूरा गड़बड़झाला सामने निकल कर आया है। इस मामले में CCFAS भदौरिया कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें श्रीमान जी ये गड़बड़ी हो गई थी कि फड़ मुंशी की तरफ से 20 गड्डी कम चढ़ी थी जी। बाकी जो पेमेंट था वन समिति वन विभाग की ओर से 9 नंबर में चढ़ा था, वो उन्होंने पहले बांट चुकी थी जी। जी, बाकी पैसा जो आदमन का बाकी था 20 गड्डी का फर्क था, वो फड़ मुंशी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बांटा जा रहा है। नोएडा डिप्टी हैं, गुप्ता जी हैं, जो लोग अपने हाथों से पैसा बटवा जी। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ जो हो पैसा कट गए हमारे। काय के पैसे? पत्ती के। किन लोगों ने काट लिए आपके पैसे? पत्ती फरमन सिंह ने कट लिख के दो, जब रेंजर ने दाए लिखो दे दो रेंजर तो। हाँ, फरमन सिंह ने काटी। और जब आप पत्ती देने जा रही थी फड़ पे, तो वहाँ पे भी वहाँ पे भी काटी। 100 गड्ढा काटी। 100 गड्ढी पे 5 गड्ढी लेते 75 के रूप में। 75 के रूप में। फिर आपने जो नहीं कही कि हमारा पूरे पैसा दो? कही है, कही है। क्या कह रही थी? पहले सुनाओ, जा सुनाओ नहीं दे जी। आपके जो पत्ती के पैसे काटे गए हैं, किसके द्वारा काटे गए? नहीं, भुगतान हुआ तो आपको कितने कम पैसे दिए गए? हमारे 1300 गड्डी कटी, 1300। आपने कहा नहीं उनसे कि गए हम देवी तुम हल्ला न करो, उनके घर गए सो उन्होंने कह दी चलो जी काट गए जी का कटे गाते सुनाया सो हम भाग आए आपका सुना। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखते हैं। आज छतरपुर जिले में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है और मौसम की पहली लंबी बारिश आज छतरपुर में देखी जा रही है। दोपहर के वक्त लगभग 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई और छतरपुर शहर के 20 से 25 किलोमीटर इलाके में इस बारिश को देखा गया। इस बारिश के साथ ही किसानों के भी चेहरे खिल उठे हैं। जुलाई के पहले ही सप्ताह में बारिश के ठीक हो जाने से बोनी के लिए अब समय अनुकूल आ गया है। कृषि से जुड़ी इस खबर को देखते हैं, जानते हैं कि छतरपुर में बोनी के लिए किसानों के पास कितना क्षेत्र है और सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है। छतरपुर जिले की कृषि को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस जिले के भौगोलिक क्षेत्र को समझना होगा। जानकारी के मुताबिक छतरपुर का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 8,63,034 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें से कृषि के क्षेत्र की बात करें तो ये है 5,31,541 हेक्टेयर। इस भूमि पर 4,25,000 हेक्टेयर इलाके में इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए बुवाई का लक्ष्य रखा गया है।
आपको बता दें कि छतरपुर में खरीफ की फसल के रूप में किसान सोयाबीन, तिली, मूंगफली, मक्का, ज्वार, अरहर और कुछ इलाकों में धान उगाते हैं। जानकारी के मुताबिक राजनगर और बड़ा मलहरा विकासखंड क्षेत्रों में धान की फसल उगाई जाती है, जबकि अन्य इलाकों में बाकी फसलें उगाई जाती हैं। बक्सवाहा और किशनगढ़ के कुछ क्षेत्रों में मक्का और ज्वार भी उगाया जाता है। बुवाई के लिए जुलाई के पहले सप्ताह का वक्त सही माना जाता है। 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच बुवाई की जा सकती है। कृषि विभाग किसानों से कहता है कि जब तक 4 इंच बारिश न हो जाए तब तक बुवाई नहीं की जानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है। कृषि विभाग के मुताबिक किसानों के लिए जिले में 11,000 मीट्रिक टन खाद मंगा लिया गया है, जबकि आवश्यकता लगभग 9,000 मीट्रिक टन की होती है। इसके अलावा लगभग 11,500 क्विंटल बीज भी मंगा लिया गया है। किसान खाद और बीज को छतरपुर जिले की तमाम सहकारी समितियों, बीज उत्पादक समिति, बीज निगम और ब्लॉक स्तर पर खुले कृषि कार्यालयों एवं निजी दुकानों से भी हासिल कर सकते हैं। कृषि संबंधी तमाम जानकारियों के लिए जिले भर में लगभग 192 ग्राम विस्तार अधिकारियों के पद हैं, जिसमें से लगभग 125 ग्राम विस्तार अधिकारी फील्ड पर काम कर रहे हैं। किसान तकनीकी जानकारी के लिए नौगांव के मिट्टी परीक्षण केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने तमाम वर्गों के किसानों के लिए जहां 60% तक सब्सिडी के साथ बीज देने की योजना चला रखी है, तो वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लगभग 75% सब्सिडी पर खाद और बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। छतरपुर जिले में जो खरीफ सीजन है वहाँ जुलाई के प्रति द्वारा तिल की फसल भी यहाँ सर्वाधिक की जा रही है। कुछ इलाके में किसान सोयाबीन के साथ में हमारे 2 विकास खंड है राजनगर बड़ा मलहरा, वहाँ के किसान धान की खेती कर रहे हैं। मक्का की खेती जो हमारे आदिवासी किसान हैं बक्सवा क्षेत्र में और किशनगढ़ क्षेत्र में, वहाँ मक्का और बाजरा ज्वार की खेती भी यहाँ पर किसान करते हैं। सर खाद बीज कैसे? खरीफ सीजन के लिए किसान भाइयों के लिए जो विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं हैं उनके अंतर्गत हमने सभी विकास खंडों में योजनाओं के प्रावधानों के अंतर्गत बीज का भंडारण करा दिया है। साथ ही जो डबल लॉक केंद्र हैं और जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं उन पर भी हमने बीज और खाद का भंडारण पर्याप्त मात्रा में करा दिया है। विगत वर्ष में जितने खाद की आवश्यकता या वो हुई थी उपलब्धता, उससे ज़्यादा उपलब्धता इस वर्ष हमारे पास है। खासकर हमारे यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के जो किसान हैं उनके लिए सूरजधारा और अन्नपूर्णा योजना है, इसमें 75% सब्सिडी पर किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही बीजग्राम योजना है, बीजग्राम योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के किसानों को, जो लघु सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं हमारे, उनको 60% पर दलहनी फसलों का बीज और 50% पर खाद्यान्न वाली फसलों का बीज उपलब्ध कराते हैं। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना जिसमें दलहन के प्रदर्शन डाले जाते हैं वहाँ, उसमें हम किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। साथ ही उसके पैकेज के अनुसार किसान मार्केट से जो लाइसेंसधारी दुकानदार हैं उनसे उस पैकेज के अनुसार खाद्यान्न सामग्री, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बीज उपचार की दवा आदि खरीदते हैं, तो उनको सब्सिडी उसमें हम उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर में जिला पंचायत सीईओ हर्ष दीक्षित का तबादला होने के बाद उनके स्थान पर नए जिला पंचायत सीईओ हिमांशु चंद्र ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हिमांशु चंद्र ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाला और इसी दिन जन सुनवाई का आयोजन भी था। जन सुनवाई के आयोजन के पहले एक छोटी सी रस्म अदायगी उनके स्वागत की गई और लोगों को उम्मीद थी कि एक नए अधिकारी के रूप में वो पहला दिन कुछ खास नहीं करेंगे, लेकिन हिमांशु चंद्र पहले दिन लोगों की उम्मीद से कुछ ज्यादा निकले। उनने पहले ही दिन जन सुनवाई में बैठकर तमाम अधिकारियों की क्लास लगा ली इस बात पर कि जन सुनवाई का समय निर्धारित और निश्चित किया जाएगा। तो अगली बार दो चीजें हम तत्काल इसको करेंगे कि मेरे को रजिस्टर आप 11 बजे सुनवाई होती है, 11:45 में आए और अपना यहाँ पे अपना अटेंडेंस दर्ज कराए, मेरे को रजिस्टर की कौन उपस्थित हो रहा है, कौन अनुपस्थित हो रहा है। तो अगले सप्ताह 11 बजे मतलब 11 बजे शाम। और दूसरा ये कि जितने भी अधिकारी हैं पूरे जिले के वो सुबह उपस्थित होंगे।
अब आगे होगा कि वो किसी और को भेज रहे हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। जब कलेक्टर साहब उधर बैठते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई और अधिकारी ये बोल सकता है कि मेरे पास और अति महत्वपूर्ण कार्य है। जब कलेक्टर स्वयं उपस्थित हो रहे हैं तो स्वयं चंद्र भाई ले रहे हैं, तो सभी अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ आके स्वयं उपस्थित हो, चाहे वो राजस्व विभाग के सब अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका या सीओ हो, सीओ जनपद, चाहे एसडीएम, तहसीलदार, चंद्रपुर, ये सब लोग उपस्थित रहेंगे और बाकी सभी विभाग के। हिमांशु चंद्र ने कहा कि आगे आने वाले मंगलवार से जनसुनवाई के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही कोई भी विभाग प्रमुख ना करे। सुबह 11 बजे से जनसुनवाई शुरू होती है जो दोपहर 1 बजे तक चलती है। अधिकारी स्वयं इस जनसुनवाई में शामिल होने के लिए सुबह 10:30 बजे जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। झमाझम बारिश के साथ ही पौधारोपण का काम भी शुरू हो गया है। छतरपुर के डिसेंट इंग्लिश स्कूल ने पौधारोपण कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की है और छतरपुर के कई गणमान्य नागरिकों के साथ बच्चों ने भी पौधे रोपकर वन महोत्सव मनाया। छतरपुर के डिसेंट इंग्लिश स्कूल में पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, भाजपा नेता जयराम चतुर्वेदी, लालचंद्र लालवानी, अभिषेक खरे और स्कूल के संचालक अशोक दुबे सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज अशोक दुबे जी डिसेंट स्कूल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं किसी तरीके से वृक्षारोपण करते रहे। आज डिसेंट इंग्लिश स्कूल में विगत वर्ष भी हमने ये वन महोत्सव का कार्यक्रम किया था जिसमें हमने पीपल के पेड़, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ हमने सारी ग्राउंड में लगाए थे और मुझे यह बताते हुए खुशी भी मिल रही है कि वो पेड़ आज भी जीवित हैं। तो आज हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आज हमारे जो आदरणीय उमेश भाई साहब हैं, आदरणीय जयराम चतुर्वेदी जी हैं, आदरणीय लालू भैया हैं, आदरणीय अभिषेक खरे जी हैं और भी तमाम जो हमारे गणमान्य नागरिक हैं, सभी को हमने इन्वाइटेड किया कि आप लोग कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे की देखभाल के लिए हमने एक एक बच्चे को चिन्हित भी किया ताकि वो बच्चा उस पेड़ की देखभाल करेगा और वो पेड़ जीवित रहे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। बारिश जब लेट हो रही थी तो लगातार उसको मनाने के लिए जतन किए जा रहे थे। मंगलवार की दोपहर जब बारिश झमाझम हुई उसके ठीक पहले शहर के संकटमोचन मंदिर में भगवान इंद्र को मनाने के लिए हवन पूजन किया गया और आश्चर्य देखिए, हवन पूजन के तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो गई जिसका लोगों ने भरपूर आनंद भी लिया। ये हमारे संकटमोचन मंदिर में हम लोगों ने जिले में अच्छी बारिश हो इसके लिए आज हवन किया है, भगवान से प्रार्थना की है, साथ में ही बटाखा करियों को प्रोग्राम रखा है क्योंकि हमारे पूर्वज जब भी बरसात के पहले फटाखा करियों का प्रोग्राम करते थे उससे अच्छी बारिश होती थी। अब आजकल ये प्रथा सब लोग भूलते जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने पुरानी रीति रिवाज से फटाखा करियाँ खा के और हवन पूजन करके भगवान को मनाया है कि इस जिले में अच्छी बारिश हो। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवेंद्र शुक्ला। हरपालपुर निवासी हसन खान अपनी गाड़ी का बीमा कराने आरटीओ ऑफिस पहुंचे थे लेकिन मौसम बदलने और अचानक तेज आंधी तूफान के वजह से वे अपनी बाइक पेड़ के नीचे से हटा रहे थे तभी अचानक पेड़ की डाली टूटकर उनके सर पर गिर पड़ी। गंभीर अवस्था में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। सर से काफी खून बह जाने से हालत काफी गंभीर है। बताया जा रहा है कि हसन खान हरपालपुर से यहाँ पर बीमा कराने के लिए आए हुए थे। वो वहाँ खड़े थे और आंधी आई, पेड़ गिर गया, मोटरसाइकिल खिसकाने गए थे, उसी गाड़ी का बीमा ही कराने आए थे और वो खिसका रहे थे कि आंधी आ रही तो कहीं पेड़ ना गिर जाए, वो गिरी गया हुआ तो वो हरपालपुर गया, हसन भाई के नाम से जानते हैं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बक्सवाहा के अंतर्गत आने वाले नैनागिरी चौकी प्रभारी अपने फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते में तीसरी ये बड़ी घटना है जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। इसमें एक दुष्कृत्य के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि एक नाबालिग को भगा कर ले गया था और उसके बाद उसके साथ दुष्कृत्य किया और उसे गर्भवती भी कर दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक 21/5/19 को गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार द्वारा लिखाई गई थी और उसके बाद मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में उसकी लोकेशन पाई गई और बाद में उसे मझुआ घाटी के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी 23 वर्षीय नन्नी भाई आदिवासी बताया जा रहा है। ये दिनांक 21/5/19 को नैनागर में फरियादी ने रिपोर्ट किया था, उस पर अपराध क्रमांक 123/19 धारा 363 ताजीरा थाने का पंजीबद्ध किया गया था। उसमें संदेह नन्ने आदिवासी निवासी मझगांव घाटी पर व्यक्त किया था। दिनांक 26/6/19 को गुमशुदा प्रता लड़की ग्राम बल्ला थाना गिरार जिला ललितपुर में दस्तयाब की गई थी। वहां से आरोपी फरार हो गया था। कथनों पर धारा 366, 376 तीट और 376(2)(n) IP से 5/6 पास को एक्ट बढ़ाई गई थी। आज मुखबिर की सूचना पर मैं श्रीमान TI साहब आनंद तिवारी साहब के साथ बताकर उसको मझगांव घाटी से नन्हे सनाब राधे आदिवासी 23 वर्ष निवासी मझगांव घाटी को गिरफ्तार किया है, जिसे आज न्यायालय में JR पर पेश किया जाना है। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।